सो फाइनली दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद एमपी बोर्ड 12th रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। उसे आपको मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर दो साइटों के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो दोनों साइटों को मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है, जिसे काफ़ी लोग व्यूवर्स ने यहाँ पर पसंद भी किया। तो यहाँ पर मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक आप यहाँ पर देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, इसके माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको अपना रोल नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होता है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, चलिए हम आपको क्रोम ब्राउजर के माध्यम से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अपना रिजल्ट यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्रोम ब्राउजर में चलते हैं, आपको दोनों साइटों का लिंक अभी यहाँ पर बता देते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर जो पहला लिंक है mpbsc.nic.in, इस लिंक पर भी आने के बाद आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे आसानी से। इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है शो कर देगा। दूसरी जो रिजल्ट का लिंक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दूसरे रिजल्ट का लिंक है mprizult.nic.in। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, इसे आपको डेस्कटॉप साइड मोड पर करते रहना है। और इस पर उसके रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेयर्ड हो चुका है। और यहाँ पे MPBSC क्लास 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट 2021, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। यहाँ पे इंटर रोल नंबर डालेंगे और इंटर एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका अपना रोल जो है रिजल्ट यहाँ पे सामने निकल के आ जाएगा। तो मोर डिटेल की दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दो वेबसाइटें हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे अपने आसानी मोबाइल से भी आसान से बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट लिंक का फ़ायदा उठा करके आप यहाँ से अपना रोल नंबर डाल करके एप्लीकेशन नंबर डाल करके अपना रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है, देख सकते हैं आपका यहाँ पर ये ऑप्शन जो है अब इनेबल हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट है 29/7/2021, और यहाँ पर आप ये लिंक भी एक्टिवेटेड हो चुका है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर दोस्तों mpbsc.nic की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी लिंक को एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, MP रिजल्ट से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।